अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म और बुक्स जो है वो स्कूल से हमें पिक करने हैं, तो बच्चे भी एक्साइटेड हैं और हम वहाँ जाएंगे क्योंकि कल का रेस्ट का डे होगा और नेक्स्ट मॉर्निंग का स्कूल है। तो आज ही मैं चाह रही हूँ सारे काम मैं फिनिश कर लूँ, तो अब हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं। योर कोर्स एंड यूनिफॉर्म। ओके, लेट्स गो। आज तो मौसम भी थोड़ा सही है हमारे लिए, हवा चल रही है, मतलब बहुत गर्मी होती है। हम लोग गाड़ी में बैठे भी तो एसी हमारा से जैसे चल नहीं रहा होता। अक्सर ये हुआ है कि हमें कभी दोपहर में निकलना हो तो बहुत शदीद गर्मी होती है और मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि कभी मैं निकलूँ। बच्चे भी तंग आ जाते हैं गाड़ी में बैठ के, क्योंकि एसी वर्क तो कर रहा होता है लेकिन हमें नहीं लग रहा होता है, इतनी गर्मी होती है। अभी तो फिलहाल मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, रात को भी जब हम वॉक के लिए निकले थे तो मौसम बहुत सही था और आराम से हम लोगों ने वॉक कर ली थी, वरना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है यहाँ पर। इधर ये झील इन्होंने बनाई हुई है, शाम के टाइम में या मॉर्निंग टाइम में वॉक करने के लिए इधर आ सकते हैं आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं होता। बस मौसम पर डिपेंड करता है क्या है मौसम, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने रात में देखा है यहाँ पर वॉक करते हुए या मॉर्निंग टाइम में जो कि फजर के बाद का टाइम होता है। ये देखें यहाँ पर कितनी ग्रीनरी की हुई है, यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगह को देख के। हर जगह से आपको देखें प्लांट और पौधे वगैरह ही नज़र आ रहे हैं, ग्रास देखें ऐसे जैसे कोई कालीन बिछा हो। क्या खा रहे हो आप लोग? अच्छा है, टाइम पास हो जाएगा तुम लोगों का, थोड़ी देर चुप तो हो गए। ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो स्कूल पहुंच चुके हैं, बस अब आगे जाते हैं, जो ये ना हो कि स्कूल में रश हो, बस जल्दी से काम करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अब ये नहीं पता हमें कि कितनी देर हमें यहाँ लग जाएगी, तो फिर देखते हैं। चलो जी, स्कूल इंटर होता है, रश है ना अंदर, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, टाइम लग जाएगा हमें। हाँ वो एक ही जगह हो गया, चलो हमें जाना है डायरेक्ट ऑडिटोरियम, वहीं हमने बाकी का प्रोसेस करना है, फीस का भी, बुक्स का, यूनिफॉर्म का। ये स्कूल बसेस ऐसी होती हैं यहाँ पर, ये तो खैर छोटी है, शीज़ा की जो बस है वो काफ़ी बड़ी है। ये शुक्र है 4 बजे तक बंद हो जाना था लेकिन हम पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और जाते हैं। ये वाले में जाते हैं। अच्छा। हम लोगों को यहाँ पे इतनी देर हो गई है कि अभी पहले हम लोगों को फीस पे करनी है, उसके बाद हम यहाँ से बुक्स जो कोर्स है इनका वो उठाएंगे। तो रश इतना ज़्यादा है तो वेट ही कर रहे हैं, नंबर आएगा तो हम फिर काउंटर पे जाएंगे। तो हम अभी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, यहीं पे सब कुछ है, एक ही जगह पे बैठ के हम लोगों को यहाँ पर सारा काम करना है। और इतनी हैवी हैं, बाकी बुक्स भी रहती हैं, अभी वो हैंड ओवर करेंगे स्कूल में जब ये स्कूल स्टार्ट हो जाएगा इनका।
कोर्स वगैरह ले लिया है, अब हम लोगों को बहुत भूख लग रही है और बच्चों को भी लग रही है, तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से काम हमारा फिनिश हो चुका है, तो अब हम जाते हैं कुछ खाने के लिए। वहाँ से फिर शायद जो एक दो और काम है वो करेंगे, फिर हम घर जाएंगे। चलो, हाँ हो गया काम। ये सामने नया स्कूल बना है और ये अमेरिकन स्कूल है। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो ब्रिटिश में पढ़ते हैं, तो ये स्कूल है। अभी भी एडमिशन खुले हुए हैं। ये सारे स्कूल ही हैं, स्कूल एरिया है पूरा। तो हमने जो है वो अंडे वाला बर्गर लिया है, फ्राइज आ गए हैं कुछ, तो बच्चे और हम अभी यही खा रहे हैं क्योंकि और कोई मूड नहीं खाना। हम लोगों ने खाना था लेकिन टाइम ऐसा था, तो अब हमने ये ऑर्डर किया, अब हम ये खाएंगे। ऐसे और आके घर के काम भी करो। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ क्योंकि काम खत्म नहीं होता हम लोगों के। तो ये होती है हाउस वाइफ, जो बाहर के भी काम करे और घर के भी काम करे। अब मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे घर के काम करने हैं। घर आई थी तो खाना पीना चला थोड़ा सा, थोड़े से गेस्ट आ गए थे, तो अब जहाँ पे जो अपना काम शुरू करती हूँ, जो घर के आमतौर पे काम होते हैं, तो मैं अब किचन समेटने लगी थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।